हम चाहता नहीं ये घर में केहू के ब्याह ना हो। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहा बानी भोजपुरी प्लस। था आज के ई ट्रेलर रिव्यू बा भोजपुरी फिल्म कलयुगी ब्रह्मचारी 2 के बारे में। जी हाँ, जौना में अरविंद अकेला, कल्लू, ऋचा दीक्षित, मनोज टाइगर जैसन उम्दा कलाकार बड़े, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बड़े अनिल कुमार उपाध्याय जी। लेकिन जौन ट्रेलर काटल गए बा वो बहुत ही बेकार काटल गए बा। कहे से कि स्टोरी अच्छा लाग रहा बा देखे में, लेकिन ट्रेलर हिसाब से काटल गए बा कि कुछ आप लोगन के समझ ही ना रहा बा। कहीं पर भी गाना डाल दिया गए बा, कहीं पर भी सीन डाल दिया गए बा, एक लय में एक ना चलावल गए बा। बाकी बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो स्टोरी बा एगो ऐसन भूत के जो कि एगो घर में कोनो के भी शादी ना होखेला चाहती है कि कोनो के शादी ना होके उ घर में, और उ कोनो में अरविंद अकेला कल्लू भी बड़े जिनकर शादी होता रहल बा। लेकिन जौन भूत बा उनका के अपन पत्नी से दूर रहे खातिर कह रहल बा और कलयुगी ब्रह्मचारी बना दिले बाड़ी। यही चलते ई फिल्म के नाम कलयुगी ब्रह्मचारी 2 रखल गए बा। बाकी आप लोगन के अगर ये ट्रेलर देखे के बाद तो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी पर जाके देख सकता नहीं। कॉन्सेप्ट अच्छा उठावल गए बा, लेकिन जौन ट्रेलर एडिटिंग बा वो बहुत ही बकवास कल गए बा। कहे से कि एक लय में ई ट्रेलर के ना चलावल गए बा, आप लोगन के पता ना चली कोना टाइम पर कौन सीन के कट दिखा दिल जा रहा बा, और जोना कारण बहुत ही बेकार लाग रहा बा ट्रेलर। बाकी अगर फिल्म के कहानी जैसन ट्रेलर में दिखावल गए बा अगर वही चीज़ फिल्म में होके और अच्छा से एडिटिंग कल होके तो बहुत ही शानदार फिल्म हुई। एगो हॉरर फिल्म आप लोगन के बीच में ई बन के आई, जिसे आप लोग साउथ के फिल्म देख ले रहनी कंचना, जोना में बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडी और हॉरर सारा कुछ रहे, डर भी लागे और हंसी भी आए। तो वो तरीका के अगर ये फिल्म बनावल गई हुई तो भोजपुरी दर्शक के यानी आप लोगन के बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। फिलहाल अगर हमारी ये रिव्यू आप लोगन के पसंद आएल बा तो वीडियो के लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। आप लोग वीडियो देख ली लेकिन चैनल के सब्सक्राइब ना करें तो वो जरूर करी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।